डॉक्टर इनको दीन की बात बताए तो शायद उनके लिए एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा होगा और ज्यादा अमल करेंगे। इंसान ये सोचे कि वो जो काम भी कर रहा है या करना चाहता है उसमें दुनिया और आखिरत का क्या फायदा। कुरान इंसान को बताता है कि उसकी दुनिया में प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, उसके क्या गोल होने चाहिए। जी नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अभी पॉजिटिव चैनल के स्टूडियो में जो शख्सियत उनको हमने दावत दी है और तशरीफ लाए हैं वो डॉक्टर जाहिद रही हैं, और माशाल्लाह ये बहुत कॉम्पिटेंट मेडिकल के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ तमाम में पिछता कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मेडिसिन के साथ साथ ये जो शोबा है दीन की खिदमत का, इसको क्यों ज़रूरी समझा। मेडिसिन तो बताते ख़ुद एक इतनी बड़ी खिदमत है कम्युनिटी की, तो उस खिदमत के बाद दूसरी खिदमत जो दीन की है उसका एहसास और उसका वक्त इन्होंने कैसे लिया। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। तो आप बताइए कि आपने इस शोबे को दीन की खिदमत को क्यों ज़रूरी समझा कि आप तो ऑलरेडी ये खिदमत कर रहे थे मेडिसिन के सॉल्व शोबे से सोसाइटी की, तो आपने कैसे समझा कि ये भी ज़रूरी काम है और उसके लिए वक्त निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। और दूसरी बात यह है कि मेरा ताल्लुक चूँकि मेडिसिन से है, तो बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट में मसरूफ रहता हूँ। मैंने देखा कि हम लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है, और लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक नोट किया कि जो फैमिलीज आती हैं हमारे पास, जो बच्चे आते हैं, उनकी दीनी मालूमात बहुत कम होती है और वो डॉक्टर्स की बात बड़े गौर से सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर एक डॉक्टर इनको दीन की बात बताए तो शायद उनके लिए एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होगा और ज़्यादा अमल करेंगे। तो ये सोच कर मैंने ये काम शुरू किया और मुझे इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला, अच्छा रिजल्ट मिला, और मुझे खुशी हुई कि लोग जो है ना वो जब मैं एक डॉक्टर से दीन की बात सुनते हैं तो बहुत जो है वो मतलब उसे वैल्यू देते हैं। लेकिन इसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए और बहुत ज़्यादा मुतालिया चाहिए, तो आप अपनी तमाम मसरूफियात में से ये वक्त कैसे निकालते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप पॉसिबल कर लेते हैं सारा कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने, वक्त चाहिए, मुताला बहुत करना होता है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह जाता हूँ हॉस्पिटल तो मैं एक घंटे पहले चला जाता हूँ और वहाँ जाके मैं मुताला करता हूँ, अपने दुरुस्त तैयार करता हूँ, और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं एक आध घंटा वहाँ रुक जाता हूँ और रुक कर अपने दीनी काम, मुताला और बाकी चीज़ें करता हूँ। तो वक्त देना पड़ता है, वीक एंड पे भी काफ़ी वक्त निकाल के मैं, जैसे फैमिली सफ़र करती है लेकिन मेरे इस काम के साथ मेरे साथ है कि उन्हें भी इसका अजर मिलता है, लेकिन वक्त यकीन निकालना पड़ता है। नीरव साहब ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है आज के दौर में, और अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इसमें आप कुछ थोड़ा सा आइडिया देंगे कि सबसे बड़ा जो इशू होता है हमारी फैमिलीज़ के अंदर, जो आप समझते हैं कि हर दूसरा ख़ानदान और हर दूसरी फैमिली उन इशूज़ में इन्वॉल्व भी है, सफ़र भी हो रही है और उस पर काम करने की हम सबको बहुत ज़रूरत है, वो कोई एक दो इश्यूज ऐसे अगर आप बताएं। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ के अंदर दीन की मालूमात की कमी है, उस बुनियाद पर लोग जो है वो बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते, और उनमें ख़ास तौर पर जो मैंने नोट किया है वो ये कि ना लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एकोमोडेट नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते, जिसकी बिना पर हमारे यहाँ फैमिली से मसले होते हैं, स्पाउसेस के आपस में मसले होते हैं, स्पाउसेस और किड्स के बच्चे होते हैं। उससे बेसिक चीज़ ये है कि टॉलरेंस नहीं है और रेस्पेक्ट नहीं, और जो रेस्पेक्ट और टॉलरेंस दीन ने हमें सिखाई है अगर वो उनको बता दी जाए या उन्हें इस रास्ते पे लगा दिया जाए और वो चीज़ उनमें आ जाए तो हमारे आधे ज़्यादा मसाइल इससे हल हो सकते हैं। एक मरीज़ आया है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, और उस वक्त आप उसको जो बात कहेंगे वो डायरेक्ट उसके दिल पर असर करेगी और वो दोनों कानों को सामने रख के सुनेगा कि ये भी नुस्खे का एक हिस्सा है। लेकिन जो मरीज़ नहीं है और वो आपके पास नहीं पहुंचा उस कैफियत में, तो उसके लिए ये बात समझना कि ये नुस्खे का हिस्सा है कि नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करूं कि ना करूं, वो काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता? उसका कोई वे है? उन्हें मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अपनी कंपनी से ही रखें, क्योंकि कंपनी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर इंसान की कंपनी नेक हो, लोग पढ़ने वाले हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो, एटीट्यूड सही, मतलब ये कि वो बड़ा ज़रूरी है। तो अगर अपने माहौल सही रखें, उनका उठने बैठना अच्छी जगह पर हो, तो वो इंशाल्लाह इस ट्रैक पर रहेंगे।
दूसरा ये कि किसी भी तरीके से हो सके इंसान को मुताले का रुझान इख्तियार करना चाहिए। अगर आपका ताल्लुक मेडिसिन के या शोबा मेडिकल के साथ आप लिंक हैं तो आप मोस्टली जो अपनी प्रायोरिटीज रखेंगे वो वही होंगी जो आपके इस प्रोफेशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जब दीन के और बाकी अल्लाह की रज़ा के मामलात आते हैं और आपका वो ग्रुप नहीं होता जो आपको बताए कि ये चीज़ प्रायोरिटी में करने वाली है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसके अलावा भी कोई और वे है कि हम अपनी तरजीहात को पहचानने की भी सेंस पैदा कर लें कि हमारी तरजीहात की सीक्वेंस होनी क्या चाहिए? इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान ये सोचे कि वो जो काम भी कर रहा है या करना चाहता है उसमें दुनिया और आखिरत का क्या फ़ायदा है। अगर ये बात सामने होगी कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसमें दुनिया के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त ज़ाया होगा, तो उसे ना करें। अगर दुनिया का फ़ायदा भी है और आखिरत का फ़ायदा भी, तो उसे प्रायोरिटी पर ले आए, उसको काम भी करें। और इससे बड़ी मदद मिलती है इंसान को अगर इंसान जो है ना वो डेली की बुनियाद पर कुरान का मुताला करें। कुरान इंसान को बताता है कि उसकी दुनिया में प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके क्या गोल होने चाहिए, उसे कैसे अचीव करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सी मिसालें हमें सीरत से मिलती हैं। लेकिन अगर ये इंसान छोटी सी बात अपने सामने रख ले, हर काम के करने से पहले प्रायोरिटीज तय करने से पहले सोच ले कि इसमें दुनिया और आखिरत क्या फ़ायदा है, अगर फ़ायदा हो तो काम किया जाए, फ़ायदा ना हो तो वो काम ना किया जाए, तो प्रायोरिटीज़ पे खुद ख़ुद तय हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। और नाज़रीन आप देखिए कि एक मसरूफ़ आदमी जो सुबह शाम अपने प्रोफेशन के साथ वायल होकर इबादत की तरह से काम करे और उसके बाद महसूस करे कि माशरे में तालीमात की कमी है, दीन की अहमियत का एहसास कम होता जा रहा है, और उसके बावजूद अगर वो वक्त निकाल सकता है तो मैं और आप तो फिर किसी भी ट्यूज़ के हकदार नहीं हैं। तो इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी बातें और उनका जज्बा और उनकी डेडिकेशन हमारे माशरे के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इनके इस अमल से इनके घर वालों पर जो है रहमतें नाज़िल हों, और इनके घर वाले इनके साथ इसी तरह तआवुन करते रहें जिस तरह वो कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।